वेलकम बैक टू माई रिप्लाई शॉर्ट। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करने आएंगे न्यू रोल डेटा अचीवमेंट, जो कि इसी लीक मिली है। मतलब 90% गारंटी थी प्रिपेयर वालों ने कि इंडियन सर्वे में कल रोल डेटा अचीवमेंट आने वाला है, और कि उसके अंदर क्या आएगा, बाकी क्या क्या चीज़ें है गई, सब कुछ बताने वाला। ठीक है, इसलिए आप चैनल पर जाए तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कई मैंने आपको मिस्ट्री शॉप का वीडियो डाल दिया, तो कई मिस्ट्री शॉप में इस बार रिलेट पास आएगी या नहीं वो भी मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसकी लीक मिली नहीं है। उसकी लीक तो अपडेट में बता दूंगा। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि रोल द डाइस इवेंट में कंफर्म जाने क्या वाला है। ठीक है, तो गाइस सिंगापुर के सर्वर में आज ही रोल द डाइस इवेंट आया, और उसके अंदर एंजल क्यू का मंडल जो दिया गया है। ठीक है, मीन्स कल आने वाला है, ऐसे लीक मिली। ठीक, सो गाइस ये जो एंजल क्यू का जो मंडल है आपको पहले ही काफी सारे सर्वर्स में गई, लेकिन इंडियन सर्वर में आने वाला है, इसलिए आपको बोल रहा हूं कि गाइस ये वाला मंडल इतना ओपी है, क्या ही सबसे रेयर है। ठीक है, और गाइस ये मंडल उसके अंदर एक्सचेंज में आएगा या नहीं, इंडियन सर्वर में ये मंडल आएगा या फिर नहीं, गाइस इंडियन सर्वर में लीक दी गई है, क्यों लीक सिंगापुर में आया इसलिए इंडियन सर्वर में नहीं दिया है, लीक दी गई है कि कल से कल इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, और एक एंजल क्यू का रेयर मंडल दे दिया। ठीक है, तो गाइस मैं रोल द डाइस इवेंट में आपको बता रहा हूँ कि इंडियन सर्वर में रोल द डाइस इवेंट अगर आता भी है तो उसके अंदर एंजल के मंडल आएगा ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, उसके अंदर चेंजेस ऐसे होंगे कि कहीं उसमें M187 भी आ सकती है, हैंडा बोप वाली। ठीक है, जिसकी स्किन सही है, खास है, मतलब इतनी भी खास नहीं है, पर OP 1 पंच मैन जैसी है, पर उसकी एक्यूरेंसी की जगह मूवमेंट स्पीड माइनस है। ठीक है, तो गाइस आपको ग्लोबल का भी रिव्यू देता हूँ मैं, और गाइस एंजल के मंडल बहुत ही रेयर है, और M1 मिस्ट्री शॉप का मैं आपको बता दिया हूँ, और मिस्ट्री शॉप में एलिट पास आएगी या नहीं, और बंडल तो मैं आपको बता दिए थे मिस्ट्री शॉप के वीडियो में कि कौन सा बंडल आने वाला है। ठीक है, तो गाइस आज का 20 अपडेट तो मैं आपको दे ही दूंगा जब हमें लीक मिल जाएगी, पर मिस्ट्री शॉप आएगा ये तो मैं आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो गाइस फिलहाल तो ये एंजल क्यू का बंडल है, और गाइस आपको मैं ग्लोबल का भी रिव्यू दिखा देता हूँ। ठीक है, सो गाइस एंजल क्यू का बंडल बहुत ही रेयर है, अगर आता है तो निकालने की कोशिश जरूर करें, पर आता है तो बहुत डायमंड खाएगा, और इंडियन सर्वर में ये आने नहीं वाला, मैं आपको पहले ही बता दूँ, पर फिर भी आ सकता है। ठीक है, आप ग्लोबल देख लो। सो गाइस देखो ये वॉल है ग्लोबल की स्किन, ठीक है, ये सिंगापुर के सर्वर में आई। सो गाइस कल हमारे गेम में रमदान इवेंट पर ये कॉल बैक देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो गाइस ये कॉल बैक में आपको वेपन रॉयल और एक स्कार्फ, जो कि इंडोनेशिया की मिस्ट्री शॉप के अंदर जो बंडल दिया उसका स्कार्फ है, कि सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसी के साथ दो वेपन रॉयल और 3 डायमंड रॉयल वाउचर, ऐसा कुछ देखने को नॉर्मल से आइटम देखने को मिलने वाले। ठीक है, सो गाइस कॉल बैक सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्कार्प उसमें अच्छा ही है, कोई गलत बात नहीं। ठीक है, और कल रोल द डाइस इवेंट में क्या आने वाला है ये कन्फर्म लीक मैं आपको 20 अपडेट में बता दूंगा। ठीक है, अगर मिलती है तो, या फिर नहीं आया कल तो भाई मुझे कुछ लेना नहीं, क्योंकि अभी तक 90% लीक मिले, 10% मिली नहीं है, इसलिए मैं आपको 20 अपडेट में ही बता सकता हूँ कि गाइस कल आएगा या वो इवेंट या नहीं। ठीक है गाइस, आप तैयारी में रहो, डायमंड बचाओ यार, मैंने आपको पहले भी कहा था कि डायमंड बचाओ, पैसा बर्बाद मत करना। ठीक है, तो गाइस बस इतनी लीक थी, बाय बाय गाइस।